भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाई और WTC के फाइनल की अपनी राह और भी कठिन बनाई। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहले 2 टेस्ट मैच हार करके 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम की WTC के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर अब कुठाराघात हो गया है। एक समय भारत बड़ी आसानी से WTC के फाइनल में पहुंचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद अब WTC की रैंकिंग में बहुत बड़े उलटफेर दिख चुके हैं। यहां पर न्यूजीलैंड लगातार 2 मैच जीत करके अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है, वहीं भारत की हालत बेहद पतली हो गई है। अब इस सर्किल में भारत के पास कुल 6 टेस्ट मैच बचे हैं, जिनमें से उसको 5 टेस्ट मैच तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है और इन 6 में से उसको कम से कम 4 टेस्ट मैच में जीत हासिल करनी है, तभी वो फाइनल में पहुंच सकता है। यानी कि भारत का WTC फाइनल खेलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। भारत भले ही फाइनल की रेस से लगभग बाहर होता जा रहा हो, लेकिन 2 टीमें ऐसी हैं जो कि फाइनल की रेस में आ चुकी हैं और निश्चित तौर पर वो फाइनल खेल सकती हैं। तो अगर कौन सी वो 2 टीमें हैं जो फाइनल की रेस से भारत के हटने के बाद WTC का फाइनल इस बार खेल सकती हैं, आज की वीडियो हम यही चर्चा करने वाले हैं। WTC के फाइनल की सबसे बड़ी और पहली दावेदार है ऑस्ट्रेलिया टीम। जी हां, ऑस्ट्रेलिया जो कि इस समय WTC रैंकिंग में नंबर 2 पर चल रही है, भारत के बाद इसका पॉइंट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लगभग 0.32 पॉइंट परसेंटेज ही भारत से पीछे है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया फाइनल की सबसे बड़ी दावेदार है। ऑस्ट्रेलिया का अगर यहां पर रिकॉर्ड देखें तो 12 टेस्ट मैच में 8 जीत 3 हार के साथ 62.50 के पॉइंट परसेंटेज के साथ वह टॉप 2 में लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया अगर लगातार अच्छा प्रदर्शन करती और भारत को अगर वो अपनी घरेलू टेस्ट सीरीज में कम से कम 3 टेस्ट मैच हराने में सफल रहती तो बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया इस बार का फाइनल खेलेगी। दूसरी टीम होगी श्रीलंका या न्यूजीलैंड। जी अगर पॉइंट तालिका पर नजर डालें तो यहां पर नंबर 3 पर श्रीलंका है, जो 9 टेस्ट मैच में से 5 जीत चुका है, 4 हारा है और इसका पॉइंट परसेंटेज 55.56, जबकि न्यूजीलैंड 10 टेस्ट मैच में से 5 जीते हैं, 5 हारे हैं और इसका पॉइंट परसेंटेज 50 है। और ऐसे में ये दोनों ही टीमें फाइनल की रेस में सबसे बड़ी दावेदार हैं। यहां पर अगर श्रीलंका अपने बाकी के बचे 3 या 4 टेस्ट मैच जीत जाती है तो आसानी से वो इस बार का फाइनल खेलेगी, और अगर न्यूजीलैंड भारत को 3रे टेस्ट मैच में भी हरा देती है तो उसकी भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के पॉइंट तालिका तो ये कहती है कि भारत लगभग बाहर हो चुका है WTC के फाइनल के रेस से, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या श्रीलंका में से कोई 2 टीमें फाइनल इस बार का खेलने वाली हैं। ऐसे में आप लोगों का क्या विचार है कि कौन सी 2 टीमें WTC का फाइनल इस बार खेलने जा रही हैं और कौन सी टीम विजेता बन सकती है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।